What's up people? My name is Shalu. Welcome back to my YouTube channel, Ride Without Defaulter. आज जैसे कि आपको पता होगा कि मैं जा रहा हूँ गुजरात घूमने के लिए और अभी मैं हूँ हरियाणा और यहाँ पर है होटल का नाम होटल गैलेक्सी. यहाँ पर रुका था मैं आज नाइट को, यहाँ पर नाइट स्टे किया था. अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ राजस्थान की तरफ, देखते हैं शाम तक कहाँ पहुँचते हैं, आपको मैं बता दूंगा. आप पहले आप देख सकते हैं होटल बहुत अच्छा था, 800 अच्छी प्राइस में था, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी. रात को इस हुक्के का मजा लिया, अभी ये थोड़ा सा शांत पड़ा है यहाँ पर. हेलो भाई जी, वो मैं जा रहा था, वो गेट खोलना था थोड़ी. हाँ मैं जा रहा हूँ आगे की राइड के लिए. मैं जा रहा हूँ ना यहाँ से आगे की राइड के लिए, तो मैं वो गेट खोलना था, मैं जाना यहाँ से था. भाई जी दोस्तों, यहाँ पर नायरा पेट्रोल पंप में 108 रुपए पर लीटर पेट्रोल भरवाने के बाद अब हम जा रहे हैं फिर से अपनी मंजिल की तरफ. सच बताऊंगा दोस्तों, मैं थक चुका हूँ बाइक चला के. सुबह 7 बजे से बाइक चला रहा हूँ, थक चुका हूँ, हाथ भी पेन कर रहे हैं अभी और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं. अभी तो मैं क्या बता सकता हूँ, एक तो मेरी बाइक का शॉकर लीक हो गया फ्रंट साइड का लेफ्ट वाला, उसके बाद उसकी चेन घुस रही है. चलो क्या करें,
हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जो हम जा रहे थे गुजरात, तो गुजरात जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। मेरे को 2 दिन हो गए बाइक चलाते चलाते। आज है 25 तारीख सुबह, अभी 7 बज रहे हैं और मैं अभी फ्रेश हो चुका हूँ वापस घर जाने के लिए। अब आपको जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अपना हिमाचल प्रदेश दिखाएंगे। गुजरात जाना मेरी बस से बाहर है। 2 दिनों से लगातार बाइक चला रहा हूँ। पिछले कल मैंने लगभग 9, 10, 11 घंटे बाइक चलाई रात के 9 बजे तक। ऊपर से बीमार भी हो गया और क्या फायदा, फिर भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ। आधा सफर मैंने तय कर लिया है। अभी यहाँ से लगभग 850 किलोमीटर है गुजरात, जहाँ मैं जाने वाला हूँ गिर नेशनल पार्क। तो अभी वहां जाना कैंसिल है क्योंकि मुझे वहां से फिर वापस भी आना पड़ेगा बाइक पर। तो फिर मैं तो दोस्तों मैं वापस जा रहा हूँ आज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।